Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। सभी विधायक भी अपने अपने इलाके में घूम रहे हैं और अपने काम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में जदयू के एक विधायक को जनता के बीच काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी। दरअसल नाली नहीं बनने को लेकर के आक्रोशित जनता ने विधायक को नाली में ही आईना दिखा दिया। कुर्ता विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक सत्यदेव कुशवाहा गुरुवार को अपने क्षेत्र में घूमकर काम का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जिसने विधायक के काम को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए। गांव में नाली नहीं बनने के कारण उस शख्स ने विधायक की जमकर फजीहत की और उन्हें खरी खोटी सुनाई। जब जेडीयू विधायक को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा, उस वक्त वहां मौजूद किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। विधायक जी की बेइज्जती का ये वीडियो जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया में फैल रहा है। इस वीडियो में नाराज व्यक्ति क्या कुछ कहता हुआ सुनाई दे रहा है, आप खुद इस वीडियो में सुनिए। और आपको ये खबर अच्छी लगी या ये आपको एक जागरूक नागरिक नज़र आते हैं, ऐसे ही आप भी अपने इलाकों में काम के प्रति जिम्मेवार बनिए, नेताओं से सवाल पूछिए। ये खबर अच्छी लगी आप तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए इस वीडियो को। नहीं, हमने सुना आप 10 साल के पहले हमको जवाब चाहिए कि 10 साल में नली नहीं बना। अब आप कहते हैं कि आपसे वोट मांगने आएगा काम करने लगे। अगर आप वोट मांगने आइएगा तो काम का जिम्मेदारी भी आपका है। अगर काम नहीं बनेगा तो अलग तरीके से स्वागत कर देंगे। हम इतना ही कर रहे हैं, हम स्वागत अलग तरीके से करेंगे, अलग तरीके से। आज यू कोई तरीका नहीं कि आप जनता के पास 5 साल में आइए, चाय ले आवा हो, तरी नाश्ता ले आवा हो, आराम से बैठ कर अपने नली में सुता रहा। नेता के लगता दिमाग से ना इस तरह सत्ताएं बैठती काम बनती है। नहीं, हम आपकी बात तो सुनने के लिए आपके पास ना जाएंगे सर। आज आप मेरे पास आए हुए हैं ना, आपके पास हम पढ़ूंगे जीवन नहीं किया नहीं तो पड़ेगा आपसे। हमको बस इतना ही रिक्वेस्ट है सर कि मेरा बस सिंगल हो काम, सिंगल गर्ल्यू का आपका पास। हम आपके पास कहा जाएंगे सर, आपको नहीं, हम नहीं आपके पास आएंगे। हम सत्ता के पास नहीं जाते।